अस्सलाम वालेकुम। और इसका एक ब्लॉग शेप के इर्द गिर्द एक इंच पे हमने एक और मार्क करना है। एक एक इंच पे गोलाई की तरफ ऊपर तक ऐसे ही मार्किंग कर लेनी है और सेम इसी तरीके से गोलाई दे देनी है। अब ये दो लाइंस हमारे पास राउंड शेप में आ जाएंगी, इसके दरमियान में हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये मैंने बोतल का ढक्कन लिया है और बंद वाली साइड से मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आपने लाइंस के दरमियान में इस ढक्कन को रखना है और अच्छे से राउंड शेप दे देनी है। अच्छे से राउंड शेप देने के बाद हम इस नेकलाइन की कटिंग कर लेंगे सेम इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, और दरमियान से स्लिट का भी 2 इंच का पीस कट कर लेंगे जो कि ओपन होगा। अच्छे से डिज़ाइन को हम कट करेंगे ऐसे ही गोलाई से घुमाते हुए, और दरमियान से नीचे वाली जो लंबी स्लिट रखनी है उसकी भी कटिंग कर देंगे तकरीबन 0.2 इंचेस की जी। तो नेकलाइन मैंने कट कर लिया है, दरमियान से स्लिट भी निकाल दी है। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, अच्छे से आयरन कर लेना है। शर्ट के कपड़े के ऊपर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है उसी फैब्रिक के ऊपर। अब हम इसको शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे। उससे पहले मैं ये जो साइड से अंदर की तरफ मैंने फोल्डिंग की है कपड़े की आधा इंच, इसको मैं अच्छे से सिलाई के साथ फिक्स कर लूँगी। ये मजबूती के साथ इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर हम इसको शर्ट के ऊपर लगाएंगे। जहाँ पर भी आपने इसको घुमाना है तो पेडल ज़रूर उठाना है और सुई कपड़े के अंदर से नहीं निकालनी। ये मैंने शर्ट की फ्रंट साइड ली है, दोनों गले के दरमियान में भी और जो शर्ट का कपड़ा है उसके दरमियान में भी छोटे छोटे कट दे देने हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे और हमारा नेकलाइन बिल्कुल दरमियान में अटैच हो। सबसे पहले हमने ऊपर से नीचे तक एक रफ़ स्टिच दे देनी है ताकि नेकलाइन का जो पीस है शर्ट के ऊपर फिक्स हो जाए। शर्ट की जो सीधी वाली साइड है उसके ऊपर हमने इसको रख के लगाना है। मैं फिर से बताती चलूँ कि नीचे जो पीस है वो शर्ट की सीधी वाली साइड हमने रखी हुई है। और जहाँ पे ये डिज़ाइनिंग है इसके बाद हम वहाँ पे सिलाई देंगे। आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई देनी है। ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए बल्कि बिल्कुल बुकरम के किनारे पर बिल्कुल साथ साथ सिलाई आए। और जहाँ पर हमने ये डिज़ाइनिंग की हुई है गुलाई आ रही है तो आपने पैडल उठाते जाना है, सुई को अंदर से नहीं निकालना, और फिर कपड़े को घुमाकर नीचे से सिलाई लगानी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। आप सारे स्टेप्स को इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका नेकलाइन भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ, फिर भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपने सारी डिज़ाइनिंग को इसके साथ अटैच कर देना है शर्ट के। सेम इसी तरीके से मैंने सारी सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई दी है। अब हम इस नेकलाइन की कटिंग कर देंगे, अंदर से एक्स्ट्रा पीस निकाल देंगे कपड़े का और नेकलाइन की अच्छे से कटिंग कर देंगे।
दरमियान से ये जो स्लिट है इसको भी हम कट कर देंगे। अपने कटिंग करते वक्त ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई है बुकरम के साथ वो कट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा हमारा। इसलिए बहुत ही ध्यान के साथ आपने इसकी कटिंग करनी है। और जहाँ पे ये डिज़ाइनिंग की है, गुलाई दी है हमने ऊपर नेकलाइन पे, ये हमारे कटवर्क्स तैयार होंगे। उसके लिए आपने अच्छे से कपड़ा निकाल देना है, बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा कपड़ा अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे ये गुलाई आ रही है वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट दे देने हैं, ताकि जब हम इसको उल्टी तरफ टर्न करें तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ, नीटनेस के साथ टर्न हो और हमारा नेक लाइन बहुत ही अच्छे से तैयार। इस तरीके से सीधी वाली साइड से भी और उल्टी वाली साइड से भी हमारा नेकलाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। अच्छे से डिज़ाइन को बाहर की तरफ निकालते हुए हमने इसके ऊपर आयरन करना है। कोई चुंट कोई झोल नहीं पड़ेगा, आप सारे स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। जी तो मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब उल्टी वाली साइड आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। हम इसकी उल्टी वाली साइड पर तरपाई करेंगे, सुई में सेम कलर का धागा डालेंगे और इसके तरपाई कर देंगे। तरपाई वाली वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकता है। इस तरीके से आप जब सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो कोई बिगिनर बंदा जिसको अच्छे से डिज़ाइनिंग नहीं आती वो भी नेकलाइन बहुत ही अच्छे से बना सकता है। ये आप देख सकते हैं, अब ये जो इसकी स्लिट है उसको बंद करने के लिए मैंने ये ट्राउज़र के साथ का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई 6 इंच और इसकी लंबाई स्लिट की लंबाई जितनी ही है, तकरीबन 12 इंच। दोनों तरफ से हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसको डबल फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई देनी है। पहले अंदर की तरफ फोल्ड करना है दोनों तरफ से और फिर डबल फोल्ड करके हमने इसके किनारे पर सिलाई दे देनी है। इस तरीके से आप फोल्डिंग करें और एक साइड से इसको अच्छे से बंद कर दें। ये हमारी एक पट्टी तैयार हो जाएगी जो कि स्लिट को बंद करने के लिए इस्तेमाल होगी। लगाना शुरू करेंगे और जहाँ जहाँ डिज़ाइनिंग है ऊपर से मैंने 1 इंच का छोड़ा है फासला, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 इंच का छोड़ा है। ये सिलाई जो मैं लेकर आई हूँ ये मैं ऊपर से शुरू की थी जहाँ पे ये डिज़ाइनिंग है, ताकि वो भी मज़बूती के साथ अटैच हो, कहीं से धागे वगैरह ना निकलें। फिर जब हमने इसको टर्न करना है तो पैडल ज़रूर उठाना है और सुई को हमने अंदर ही रहने देना है। जब भी आप पैडल उठाकर कपड़े को घुमाएं तो ख्याल इस बात का रखें कि सुई कपड़े के अंदर हो। इस तरीके से सिलाई बहुत अच्छे से लगती है। जी तो हमारी स्लिट भी तैयार हो चुकी है लग के। अब इसके ऊपर मैंने टसल्स अटैच करने हैं। या बैक साइड से भी देख लें कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है, कहीं से कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही, बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। ये मैंने टसल्स लिए हैं 3, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते। सिंपल आउटफिट के ऊपर ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये अब मैं सुई के साथ इसके ऊपर अटैच कर दूंगी तीनों को और शर्ट को कंप्लीट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके इस शर्ट की स्लीव्स की डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। जी तो हमारा नेकलाइन तो तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे पूरी उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।